अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि यूनिट नंबर 5 ग्रेविटेशन का हमने जो है वो स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है। तो उससे पहले दो लेक्चर तो हमने मतलब पढ़ लिए, आज इसका लास्ट लेक्चर है और लास्ट ही आर्टिकल है, ठीक है, जिसमें सबसे पहले तो सैटेलाइट्स जो है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व अराउंड अ सैटेलाइट, मतलब हर वो चीज़ जो ज़मीन के अराउंड मूव करती है उसको हम जो है वो सैटेलाइट का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये डेफिनेशन याद कर लेनी है, एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट इज कॉल्ड अ सैटेलाइट, ठीक है। ज़मीन हमारी जो है वो एक प्लैनेट है, ठीक है, तो यहाँ पे हम अर्थ भी लिख सकते हैं। और इसी तरह मून जो है वो भी एक सैटेलाइट है, बट इट इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट, एक ऐसा सैटेलाइट है जो कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाया है, ठीक है। इसके अलावा साइंटिस्ट जो है इन्होंने भी कुछ चीज़ें जो है वो बनाई हैं और वो स्पेस में भेजी हैं और वो जाकर ज़मीन के अराउंड मूव करती हैं, जिनको हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। तो इस चैप्टर में तीन शुरू में ही आर्टिकल में तीन डेफिनेशन आ गई, सबसे पहले सैटेलाइट, एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व अराउंड अ प्लैनेट इज कॉल्ड अ सैटेलाइट, और उसके बाद आर्टिफिशियल सैटेलाइट, और एक लॉजिक है कि जो मून है दैट इज ऑल्सो अ सैटेलाइट, ठीक है जी। यहाँ कुछ उसने यूजर्स भी बताए हैं कि जो सैटेलाइट्स हैं इनकी मदद से जो है हम ज़मीन को स्कैन कर सकते हैं, कम्युनिकेशन पर्पज के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ सैटेलाइट जो हैं इंस्ट्रूमेंट और पैसेंजर जो हैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए स्पेस के अंदर जो है वो उनको लेके जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है ये मतलब ये सैटेलाइट्स की डायग्राम है, ये अर्थ है हमारी, ठीक है, और अर्थ जो है उसके अराउंड जो है वो सैटेलाइट जो है वो मूव कर रही है, ठीक है। तो ये इतने सिंपल सी डायग्राम बनाए हैं, इतना कोई मुश्किल नहीं, आप ये आसानी से इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि देर आर लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स दैट आर मूविंग अराउंड द अर्थ, बहुत सी सैटेलाइट हैं, उसमें से एक सैटेलाइट जो है उसको हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स कहते हैं, जो कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के तौर पर जो है वो यूज़ करते हैं जिसको, ठीक है, ठीक है। और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की कुछ उसने लॉजिक बताई है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है दैट इज स्टेशन विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ, के वो ज़मीन के लिहाज से जो है ना वो ऐसे लगता है कि जैसे रुकी हुई है, जिसे हम मतलब कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स कहते हैं, ठीक है। और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स रुकी हुई क्यों लगती है, क्योंकि ज़मीन अपने जो ऑर्बिट है मतलब कि जो ज़मीन है ये भी चक्कर लगा रही है सन के अराउंड, ठीक है, 24 आवर्स में ज़मीन जो है वो भी मूव कर रही है और एक चक्कर 24 घंटे में कंप्लीट करती है। इसी तरह जो सैटेलाइट है इट इज़ आल्सो मूविंग अराउंड द अर्थ, ठीक है, और ये भी 24 आवर्स जो है वो लेती है। तो इस तरह जो है दोनों का टाइम सेम होने की वजह से तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है इट लुक्स लाइक टू बी स्टेशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, तो हमें ऐसे मतलब कि हमें ये जो है वो रुकी हुई जो है वो मतलब कि फील होती है, हमें ज़मीन हमारी मूव कर रही है लेकिन हमें पता नहीं चलता, ठीक है, और बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ जो है वो मूव कर रही है, ठीक है जी। इसके बाद देखें मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, एक और लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक आर्टिकल है, ठीक है। अब ये जो सैटेलाइट्स हैं जब इसको छोड़ा जाता है वो ज़मीन के अराउंड मूव क्यों करती हैं, दैट इज़ ऑनली पॉसिबल ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो है वो ज़मीन के अराउंड मूव करती है। यहाँ पे हमने सपोज किया है कि सैटेलाइट है उसका मास जो है वो m है और वो ज़मीन से हाइट h पे जो है ना वो है और उसका टोटल डिस्टेंस जो है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, मतलब कि वो r नॉट है, r नॉट किसके इक्वल है, बेसिकली r नॉट जो है वो r प्लस h के इक्वल है, r यहाँ पे जो है वो रेडियस ऑफ द अर्थ और h जो है दैट इज द हाइट, r प्लस h के इक्वल है, ठीक है। और जो इक्वेशन पहली आ जाएगी हमारे पास एफ इज इक्वल टू एम पी नॉट स्क्वायर ओवर आर नॉट, ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई, ठीक है। ये जो इक्वेशन है ये हमने जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है, वहाँ से जो है वो लिखा है, सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन थी एम वी स्क्वायर ओवर आर, तो यहाँ पे एम मास है, सेटेलाइट का वी नॉट ऑर्बिटल वेलोसिटी है और आर नॉट जो है वो टोटल डिस्टेंस है दैट इज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब जब सैटेलाइट ज़मीन के अराउंड मूव कर रही है,
ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। तो सेंट्रीपिटल फोर्स याद रखें कि हमेशा कितनी जो है वो होती है, दैट इज़ आल्सो इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी, मतलब सैटेलाइट जो है ना वो वेट के इक्वल होती है। तो आपके पास एफ टी किसके इक्वल आ जाएगा, डब्ल्यू डैश मतलब एम जी एच, ठीक है। यहाँ पे आपने दोबारा से जो है ना ये देखें कि अगेन जो है ना यहाँ पे आपने एक इक्वेशन ड्राइव कर लिया, एफ टी इज इक्वल टू डब्ल्यू डैश इक्वल टू एम जी एच। तो आपके पास एक इक्वेशन ये आ गई एफ टी की, और एक इक्वेशन ये है सेंट्रीपिटल फोर्स की, सेंट्रीपिटल फोर्स वेट के इक्वल है। दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करें, कंपेयर करने के बाद आपके पास आ जाएगा एम जी एच इज इक्वल टू एम पी नॉट स्क्वायर ओवर आर नॉट, एम एम से अगेन कैंसिल हो जाएगा जी एच आर नॉट, ठीक है। किसके इक्वल आ गया, वी नॉट स्क्वायर, मतलब वी नॉट स्क्वायर इसके इक्वल आ गया। अब बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, लेफ्ट साइड से तो खत्म हो जाएगा, वी नॉट इज इक्वल टू जी एच आर नॉट, और आर नॉट किसके इक्वल है, जैसे शुरू में मैंने बताया कि आर नॉट आर प्लस एच के इक्वल, ठीक है। अब आर नॉट को रिप्लेस कर दें आर प्लस एच से, तो आपके पास वी नॉट आ जाएगा, वी नॉट इज इक्वल टू जी एच आर प्लस एच, ठीक है। ये इक्वेशन है, इसमें अगर आपको पता हो कि जी जो है वैल्यू ऑफ जी एट हाइट एच कितनी है, रेडियस ऑफ अर्थ पता हो और हाइट का पता हो, तो आप इसमें वैल्यू पुट करके जो ऑर्बिटल स्पीड जो है ना वो फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये थोड़ा टफ काम है, तो इसलिए उन्होंने एक सिंपल सी लॉजिक बता दी है कि अगर सेटेलाइट जो है वो ज़मीन से ज़्यादा डिस्टेंस पे ना हो, ठीक है, इट इज़ नॉट वेरी फार फ्रॉम द अर्थ, तो उस सूरत में हम क्या लिखेंगे कि जो आर नॉट आर प्लस एच के इक्वल था, ठीक है, तो हम आर नॉट को आर लिख देंगे, या आर प्लस एच जो है ना इसको आर लिख देंगे, ठीक है। अगर सेटेलाइट ज़्यादा हाइट में नहीं है तो उस सूरत में हाइट को जो है ना हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है, कि जो ज़्यादा हाइट में नहीं है तो इसलिए हाइट को अगर हम ख़त्म करके दें, ठीक है, ज़्यादा हाइट में ना होने की वजह से, ठीक है, हाइट को निगलेक्ट कर देते हैं, तो आर प्लस आर के इक्वल आ जाएगा और जी ऑफ एच जो है ना वो जी के इक्वल आ जाएगा, और वी नॉट किसके इक्वल आ जाएगा, जी आर नॉट। अब आप इसमें वैल्यू पुट करें जी की और आर, फिर आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा वी नॉट 8 किलोमीटर पर सेकेंड और 29,000 किलोमीटर पर आर, दैट इज़ द टू मच स्पीड, मतलब ये बहुत ज़्यादा स्पीड है, मतलब 8 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब इतनी ज़्यादा स्पीड है 8 किलोमीटर पर सेकेंड जो है इसकी स्पीड है, ठीक है, यहाँ पे 29,000 किलोमीटर पर आर, ठीक है। तो स्पीड ऑफ सैटेलाइट का ये फार्मूला था जो कि हमने इसको पढ़ा। अब आप जो है ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया, नेक्स्ट इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 6 करेंगे, ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।